नमस्कार सत्याकाल, यू वॉचिंग 1767। मैं हूँ आपका दानिश शर्मा और ये जो व्लॉग है ये है मेरी बुआ के घर का। तो मेरी ख़राब बुआ का व्लॉग आपने देखा ही होगा। तो ये थोड़ा एंटिक पीस है, जो झूमर जो लटका हुआ है, और ये मेरी जो भतीजी है चीनू, उसने बनाया है और मुझे काफ़ी एंटिक पीस लगा। और ये डिस्पोजल ग्लास का इसने बनाया है, जो इस्तेमाल जो उसने किया, और ये छन्नी जो आटा जिससे छाना जाता है, ये वो चीज़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार की वीडियो बनाया जाए। तो ये और ये धागा है, जो सिंपली जो आप जो हम लोग जो स्वेटर गर्म स्वेटर वगैरह बनाते हैं ना, तो ये वो वाला धागा है। तो भैया और वगैरह आए हुए थे, मेरी बुआ के जो बच्चे वो आए हुए थे, तो सोचा क्यों ना यार इसकी वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। और ये फ्लिप्स तो काफ़ी लोगों ने देखा ही होगा, तो कम से कम 20-25 साल पुराना होगा फ्लिप्स। और मैं ना निकाल रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मैं इसमें से ना कैसेट निकाल रहा था, लेकिन मुझे लॉक नज़र आया कि यार ये तो टूट गया हुआ, और कैसे ये बटन मैं दबा रहा था तो ये कैसी बाहर ही नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा यार यहाँ तो इन्होंने लॉक लगा दिया, टूट गया होगा। तो काफ़ी एंटिक पीस है ये भी, अब कहाँ मिलते हैं ऐसी चीज़ देखने को, बहुत ही कम मिलती है। तो सोचा यार वीडियो बना लेता हूँ इसकी। और ये है राख, तो राख का इस्तेमाल दोस्तों तो आपको पता ही है, गाँव में जो पुराने बुजुर्ग है वो काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाते भी ऐसे, दांत भी इसे साफ करते हैं, काफ़ी कुछ मतलब ठीक है। और इसे आप बोल सकते हो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और बुजुर्ग उसको आज भी जो है हमारे गांव के इसको यूज़ करते हैं। और ये है बुआ का गोदाम, जहां आपको मिलेगा किसानों का औजार। तो ये है हल, और इसमें जो लगेगा जिससे दो बैल आगे, जिससे जो जिसको बोलते हैं मैड़ा, मतलब मैड़ा नहीं सॉरी मैड़ा अलग हो गया, ये हो गया जुंगड़ा, मैड़ा दूसरा होता है, वो भी मैं ब्लॉग डालूंगा। इसको जुंगड़ा बोलते हैं, जिसमें आपके जो मतलब जो दो बैल होंगे वो इसके अंदर बंधेंगे, तब जाके नॉर्मली पता ही होगा सबको। तो ये होगा जुंगड़ा और हल। तो मैंने वीडियो बनाई इसकी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मैं आपको दिखाऊंगा औजार, जो किसानों के जो औजार है ये लटके हुए, किसानों के औजार। ऐसा लगता है जैसे कि जैसे कोई मतलब उसकी जाता ना जैसे शिकार के लिए, उस टाइप का। तो उसमें हाँ मुझे नाम भी नहीं पता क्या क्या नाम है इसमें, आप गिनती कुलाड़ू बहुत कुछ होते हैं इसमें, और क्या खिलना, ये आपको मैं बताऊंगा शॉर्टली, कभी वीडियो बनाऊंगा खिलना और किसको बोलते किसको नहीं। तो घर के बाहर खीरा लगा हुआ था, काफ़ी पक चुका था और सड़ चुका था, पीले कलर का था, तो किसी काम का नहीं था ये खीरा। और ये है मेरे संजू भैया, मेरी बुआ का लड़का है सबसे छोटा वाला। तो आपने तो उनको पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, इनका मैं ट्रैक्टर चला रहा था, तो गाड़ी खड़ी भी थी इनकी ना वहाँ, तो मैं उनको हटवाने के लिए आया था। और ये है मशीन, बहुत कम अब ये जो लोग हैं ये चीज़ यूज़ करते हैं, अब तो पहले तो ये जो है यूज़ की जाती थी मतलब कपड़े सिलने के लिए, अब तो हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ गई है। और ये है इनका डॉगी, जो किन्नौर से लेके आए थे, काफ़ी छोटा था जब इसको लेके आए थे, अप्रॉक्सीमेटली ये होगा 10 से 12 दिन का होगा, और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और ये जो व्लॉग है, और ये आता है लड़ोक, यानी बाड़ी धार के बिल्कुल नज़दीक है, और ये मेरा इसमें मेरा यहाँ मेरा ससुराल भी है। और ये है मेरी लाडो, ये ट्रैक्टर, इसकी वीडियो मैंने डाली होगी, पहले मैंने चलाया था ट्रैक्टर, तो इन्हीं भैया का है। और ये है मेरी लाडो बुलेट BS6 क्लासिक, जो मैंने न्यू ली है, और आजकल मैं इसकी सैर कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है घूमने के लिए दोस्तों। तो आप लोग भी आप चाहो तो आप जो अगर आप लोगों का इन्जॉय करना हो तो आप मेरी ट्रैवल एजेंसी को फॉलो कर सकते हैं, मैं बाइकिंग टूर भी कराता हूँ, मैं अपनी बाइक रेंट पे भी देता हूँ, मैंने रेंट पर्पज़ से भी ली है यहाँ पर। और इनके डॉगी का था वो था ये जिसमें वो रोटी खाता है, ये है मिनी ट्रैक्टर, काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ गेहूँ वगैरह बाजरा पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, जो भी टमाटर की खेती भी इन्होंने करी थी तो वो भी सेल कर दिया सब कुछ। और ये है कावासाकी कैलिबर, बहुत चलाई दोस्तों मैंने, कम से कम ये भी 30 से 40 साल पुरानी होगी, जब मैं बुआ के पास जाता था तब मैं इसको चलाता था, आज इसकी हालत ये हो गई है। तो बहुत चलाया, अगर मेरी वीडियो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स करना, थैंक यू सो मच गाइस, और अपना ध्यान रखें, और हाँ शेयर जरूर करना मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, टेक केयर।